रायपुर से बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ के दौरे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा दो विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनावी प्रचार करेंगे। 6 रोड शो और 1 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मोहला, मानपुर और खुज्जी विधानसभा के रोड शो और सभा में शामिल होने के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा आ चुके हैं। देख सकते हैं आप इनको तस्वीर में, ये रायपुर की तस्वीरें। आप हेमंता बिस्वा शर्मा पहुंच गए हैं और मोहला, मानपुर, खुज्जी यहाँ रोड शो करेंगे, जनसभाएं करेंगे। थोड़ा पीछे अपना दामनी है भाई, आप सर इधर देखेंगे, दामनी थोड़ा पीछे जा रहा है, दामनी पीछे कर मुंडी, दामनी मैडम ऐसे ऐसे रहे तंगे अभी नर्वस होते हुए हर दिन घोषणा कर रहा है, इसलिए आपको मालूम भी है आगे आपको सीएम बनना भी नहीं है। सर ये आपको नोटिस मिला? हमको नोटिस मिला, हमको नोटिस मिला, मैंने जवाब दे दिया, लेकिन मेरा मन में एक ही रहा। मैंने भूपेश बघेल जी का बात भी बोलता हूँ, मैंने बाकी लोगों का बात भी बोलता हूँ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कंप्लेन नहीं किया, जब मैंने मोहम्मद अकबर का बारे में कुछ बोला तुरंत कंप्लेन कर दिया। तो लगता है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का भूपेश बघेल से भी मोहम्मद अकबर ज़्यादा प्यारा है। आप देखिए, मैंने सबका बारे में बोलता हूँ लेकिन किसी का बारे में बोलने भी कंप्लेन नहीं डालते हैं, लेकिन जब मोहम्मद अकबर का बारे में बोला, अकबर का बारे में बोला, वो लोग इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन डाल दिया। तो मैं तो हैरान हो गया यार भाई, कम से कम मैं टी एस सिंहदेव का बारे में कुछ बोला, आप कंप्लेन दिया तो ठीक है, बात होता है। भूपेश बघेल जी का खिलाफ कुछ बोला, आप कंप्लेन देता है तो ठीक है, लेकिन मोहम्मद अकबर आपका इतना क्यों प्यारा है? क्या पूरा छत्तीसगढ़ का क्रिया कार्यक्रम उनका थ्रो से होता है क्या? क्या बात है उसको बाद में मैं सुनाऊ का, बाद में मैं भूपेश बघेल जी को पूछूंगा, भाई मोहम्मद अकबर में ऐसा क्या शर्म है कि उनका खिलाफ बोलने से आप कमीशन को कंप्लेन देता है? हाँ, मुझको जब मुझको नोटिस भी मिला, मैंने जवाब भी दे दिया। तीन निशाने पर लग रहे सर, ममता बनर्जी कह रही है कि चुनाव से पहले 2024 चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की साजिश है। जो जो छोर है गिरफ्तार तो आप कर सकता है, लेकिन कोर्ट गिरफ्तार करने से भी मानते हैं क्या? अभी आप देखिए, सारे लोग गिरफ्तार होता है, सुप्रीम कोर्ट जमानत देता है, हाई कोर्ट जमानत देता है, आपका छत्तीसगढ़ का अधिकारी को आज तक क्यों जमानत नहीं मिला? ठीक है, गिरफ्तार तो ईडी ने किया, सीबीआई ने किया, आप बोलो ईडी सीबीआई गलत है, क्या कोर्ट भी गलत है? अगर आज मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दिया है, क्या आप अभी बोलेगा सुप्रीम कोर्ट भी गलत है? तो ईडी और सीबीआई तो कोई लोगों को अरेस्ट करता है, खाली 26 घंटा अपना हिरासत में रख सकता है, आफ्टर 24 आवर्स वो व्यक्ति को अदालत का सामने लिया जाता है, फिर अदालत इसको कस्टडी देता है, फिर आप ईडी सीबीआई को कैसे ब्लेम करेगा कि ईडी सीबीआई ने पकड़ा है? हाँ पकड़ा है जरूर, लेकिन जेल में इसको गेस्ट बना के कौन रखते हैं? अदालत रखते हैं। तो अभी अगर अदालत का ऊपर भी आप क्वेश्चन करता है तब तो आप महान है, मैं क्या बोलूं? सर बीजेपी है तो भरोसा है, ये नारा चल रहा था, लेकिन अब कांग्रेस के कई बड़े नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस है तो भरोसा है। उसे आप देखिए, मेरा जो खबर है, कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ का पिक्चर बैनर पोस्टर से धीरे धीरे भूपेश बघेल का नाम हटाना चाहिए। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी में डिस्कशन हुआ है, फैसला हुआ है कि सुनाओ भूपेश बघेल का जो पहले पूरा, आप अगर देखे कि छत्तीसगढ़ का सुनाओ भूपेश बघेल जी का नाम में हुआ था, अभी भूपेश बघेल का नाम को कांग्रेस सबसे रिप्लेस होते जा रहा है, और ये प्रोसेस आज 10 दिन से शुरू हुआ है।
और ये एक, मैं तो कांग्रेस में 22 साल रहा हूँ, कांग्रेस का इंटरनल खबर 2 साल मुझको मिल जाते हैं, ये निर्णय हुआ है। और चुनाव का बाद ये लोग सीएम तो छत्तीसगढ़ का पब्लिक ही उनको हटाएगा, लेकिन कांग्रेस भी उनको नेता पद से धीरे धीरे हटा लेगा, या तो तुरंत हटाएगा या तो 6 महीना बाद हटाएगा। सर इसी में एक सवाल है, आप किसे देख रहे हैं? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भूपेश बघेल को साइड किया जा रहा है, तो किसे प्रमोट? देखिए ये है कांग्रेस का, अभी सीएम तो उनको प्रमोट नहीं करना है, उनको समझ में आ गया सीएम तो बीजेपी बनाएगा, बाकी हारने वाला टीम में जो भी जो जिसको बनाए आपका क्या रूसी है, हमारे तो रूसी है, इंडिया टीम में कौन ओपनिंग करेगा, पाकिस्तान में अभी कौन ओपनिंग करता है, कौन खबर लेगा आप बोलो। सर लगातार कांग्रेस अच्छा चीज के लिए थोड़ा इंतजार होने से अच्छा है ना, थोड़ा जो देखिए भूपेश बघेल जी या कांग्रेस जो घोषणा कर रहा है उनका तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बीजेपी जो घोषणा करेगा वो एकदम खाटी सोना जैसा होगा, जो बोलेगा वो किया जाएगा, 24% 24 कैरेट प्योर गोल्ड। सर थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्रिकेट की भाषा में सही, लेकिन आपने उसके पहले लोगों तक आपकी घोषणा पहुंच पाएगी अगर जल्दी घोषणा नहीं करते? बीजेपी का कार्यकर्ता बूथ लेवल में 21-21 से भी ज्यादा है हर बूथ में, और नरेंद्र मोदी तो हर घर में है, मोदी जी जो बोलता है टीवी में आने के पहले लोग मुझको खबर देते हैं, आज मोदी जी ये बोला, अरे बाबा कहाँ बोला, मैं तो सुना ही नहीं हूँ, बोले नहीं नहीं आधा घंटा पहले बोला, तो मोदी जी का बात लोग तुरंत सुन लेता है, हमें बाद में खबर होता है, गांव से पहले व्हाट्सएप आते हैं कि दादा मोदी जी ये बोला है। जो दिन गैस का दाम गिरा ना, मैं तो मीटिंग में था, मुझको जर्नलिस्ट आके पूछा कि 100 रुपया गैस का दाम नीचे हुआ है, आपका क्या कमेंट, मैं खबर करने में व्हाट्सएप देखने लगा कि हुआ है क्या, तब मैंने व्हाट्सएप देखा ऑलरेडी गांव का लोगों का मैसेज भरा हुआ है। देखिए बीजेपी सही समय में सही फैसला लेगा, घोषणा पत्र से भी इम्पोर्टेंट है, जो घोषणा किया जाएगा उसको हम एकदम, ये ऑफलाइन को हम ऑनलाइन को हम ऑफलाइन नहीं करूँगा, जो कैला वाला किया गया था हम ऑनलाइन वाला चीज को तुरंत आके ऑफलाइन नहीं करूँगा, पूरा अच्छा घोषणा पत्र निकालेगा और हम पूरा निष्ठा का साथ वो घोषणा पत्र को या जो भी संकल्प पत्र होगा इसको हम इम्प्लीमेंट भी करेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, ये निर्णय पार्टी ही लेता है। सर ये देखिए छत्तीसगढ़ में चुनाव ही मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है कि जो धर्मांतरण है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मुझको जब मैं बार बार आता हूँ तो मैं लॉन्च में यही बात करते रहता हूँ, ये बहुत एक हमारे खिलाफ भारत का खिलाफ एक आपराधिक साजिश हो रहा है, और अगर छत्तीसगढ़ को बसाना है तो धर्मांतरण का खिलाफ कुछ ना कुछ बड़ी कानून बड़ी व्यवस्था लेना ही पड़ेगा, जैसा काम हो रहा है मुझको बार बार आके जो कहानी सुनाई दे रहा है जो बातें सुनाई दे रहा है मैं तो बहुत दुखी हूँ। देखिए ये मैं बोला ना, ये चुनाव से जोड़ा नहीं होता है कोई चीज़, आप हो सकता है आप हिंदू है आप कांग्रेस में हैं, आप मुसलमान हैं आप कांग्रेस में हैं, मैं हिंदू हूँ मैं बीजेपी हूँ, समाज हर पॉलिटिकल पार्टी में रहता है, लेकिन धर्मांतरण का मुद्दा कांग्रेस का हिंदू का भी दिल का बात है, बीजेपी हिंदू का भी दिल का बात है, कांग्रेस का मुसलमान का भी दिल का बात है।